Hey, what's up guys and welcome back to another video. दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूएथीम ऑफ द मंथ एपिसोड नंबर 40 के बारे में और यहाँ पे मैं आपके लेके आ चुका हूँ कुछ अमेजिंग सी थीम्स जो शायद आपका माइंड ब्लो करके रख देंगी. तो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस बार की कौन सी वो थीम्स हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स गो. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे जाके आप ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर दें. प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़रूरी होता है. और यार 30K के लिए बहुत बहुत थैंक यू. ये 30K हो गए थे 3 फरवरी को भाई, बहुत बहुत थैंक यू 30K के लिए. अब जो हमने नेक्स्ट गोल रखा हुआ है 50K का, मतलब 50,000, थोड़ा बड़ा गोल है मानता हूँ, बट करा देना यार, पूरा करा सकते तो मज़ा आ जाएगा. देखते हैं भाई कब तक होते हैं. मैंने यही सोचा अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगे, उससे पहले हो जाए तो और भी बढ़िया है. तो करा देना सब्सक्राइब जरूर से कर देना और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो फॉर मोर टेक अपडेट्स. वहाँ पे भाई 30 फॉलोअर्स बचे हैं 400 होने में, वहाँ भी हेल्प कर दो. ठीक है अब बात करते हैं थीम्स के बारे में. तो यहाँ पे मैं आपके लिए आ चुका हूँ 3 नॉन थर्ड पार्टी थीम्स और 1 थर्ड पार्टी थीम, क्योंकि एंड में मसाला तो बनता है ना. और थर्ड पार्टी थीम भी थोड़ी अलग टाइप की अभी लेके आया हूँ मैं, तो वो भी आप देख लेना. अब जो यहाँ चल जाते हैं थीम्स के ऊपर, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर पहले तो ऐड देख लेते हैं, उसके यहाँ पे चल जाते हैं थीम्स में एंड देन माय थीम्स. तो जो सबसे पहली आपको यहाँ पे थीम देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है ड्रैगन्स एनिमेटेड. एंड ये जो थीम है इसके ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं एलिमेंट्स हैं वो आपको सिंपल ही देखने को मिलते हैं, बट इस थीम को मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज भाई ये एनिमेटेड वॉलपेपर के साथ आती है, लाइव वॉलपेपर के साथ आती है, जो आपके फ़ोन को एक बहुत ही अमेजिंग सा लुक प्रोवाइड करा देगी. तो यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है. तो यस ये अप्लाई हो चुकी है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख पा रहे हो तो ये देख सकते हैं, ये देखिए भाई इसका वॉलपेपर सुपर कूल, सुपर अमेजिंग, क्या बोलूँ यार, बहुत ही अमेजिंग है, मेरे को बहुत पसंद आया यार ये वॉलपेपर. उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेविगेशन बटन्स हैं ये आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, चेंज करा गया नेविगेशन बटन्स में, तो ये भी आप चीज़ आपको चीज़ देखने को मिल जाती है. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइकन्स में आके बात कर ले तो देख सकते हैं आइकन्स आपको वही सेम देखने को मिलते हैं, बट उसके बाहर का जो एलिमेंट होता है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, उसके ऊपर थोड़े बहुत इफेक्ट्स डाले गए हैं, तो ये एक आपको देखने को मिलती है चीज़. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेटस बार के बारे में तो दैट इज़ अमेजिंग, नाइस, कूल, सुपर डुपर कूल थिंग. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार तो क्लॉक बीच में है, ऊपर से जो आइकन्स हैं वो एक तरह से मतलब जब बंद होते हैं ना तब भी एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं और जब चलते हैं तब भी बहुत अमेजिंग लुक प्रोवाइड कराते हैं. जो फ्लेम एंड वाटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड में आपको ड्रैगन देखने को मिलता है, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको थीम देखने को मिलती है. देन दोस्तों यहाँ पे लॉक स्क्रीन की अगर हम बात कर ले तो सेम वही यहाँ पे वॉलपेपर एनिमेटेड वाला चलता है बट नॉर्मल यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, लॉक स्क्रीन में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है. सेटिंग मेन्यू की अगर हम बात कर ले तो भैया वो भी आपको डार्क देखने को मिल जाता है, पीछे वही ड्रैगन्स का वॉलपेपर है, तो ये बहुत ही आपको अमेजिंग एक लुक प्रोवाइड करा देता है. जैसे दोस्तों मैंने बोला था कि 30K में मैं चेंजेस करूँगा थोड़े इंट्रो में और थोड़ी लोअर थर्ड में, तो फिलहाल लोअर थर्ड में तो चेंज करा नहीं मैंने, मैंने यहाँ पे इंट्रो बदल दिया एंड पीछे की बैकग्राउंड साउंड बदल चुकी है. उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब वाला जो आया था वो चेंज कर दिया, तो बताना आपको जरूर से कि आपको को कैसा लगा. ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थीम के बारे में. तो यहाँ पे चलते हैं थीम्स के अंदर एंड दोस्तों जब आपको नेक्स्ट थीम देखने को मिल जाती है दोस्तों उसका नाम है Mi 9 TE एक्सप्लोरर एडिशन. और ये थीम मैंने इसलिए चूज़ करी बिकॉज ये थीम जो है वो थोड़ा 3D आपको फिनिश प्रोवाइड कराती है आपके फ़ोन के अंदर, जो एक काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों. और ये थीम जो थी ये पहले भी मैंने आपको शोकेस करी थी, पता नहीं जब मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर होंगे तब, तो मैंने सोचा भाई तब से और अब में बहुत कंपेरिजन आ गया है, बहुत फ़र्क आ गया है, तो आपका प्यार है बस, और इसलिए मैंने सोचा ये थीम को दोबारा दिखाया जाए. तो इस थीम को अप्लाई कर लेते हैं और यार इस थीम में थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, तो अप्लाई करके देख लेते हैं आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों नेविगेशन बटन में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है. यहाँ पे वॉलपेपर जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलता है एंड आइकन्स भी आपको काफ़ी कूल देखने को मिल जाते हैं. मिनिमल नहीं कह सकते, मैकेनिकल कह सकते हैं, ये आइकन्स थोड़े मैकेनिकल टाइप के हैं जो आपके फ़ोन को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विजेट जो है उसमें भी आपको एक डिफरेंट कलर ऑफ शेडिंग देखने को मिल जाती है जो बहुत अमेजिंग लगता है. जैसे 3 वाइट एंड एक जो है वो रेड कर दिया गया है, तो एक अब आपको काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड कराता है. उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सेटिंग मेन्यू के बारे में तो दैट इज़ अ नाइस थिंग. यहाँ पे आपको वैसे वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, यहाँ फिलहाल कैमरे पे शायद ना दिख रहा हो बट ओरिजिनल आंखों से देखो अपनी सब दिखेगा. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डायलर मेन्यू के बारे में, तो वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है. यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल सा सारा फिनिश देखने को मिलती है, ऐसे लोहा यहाँ पे पूरी तरह भरपूर यहाँ पे फैला रखा है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है.
स्टेटस बार की अगर हम बात करें तो सेम वही यहाँ पे लोहा लक्कड़ सब कुछ स्टेटस बार में भी आपको देखने को मिल जाती है अब। और कलर्स को यहाँ पे चेंज करा गया है, ब्लैक वाइट ऐसा कुछ कर दिया गया, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना दोस्तों वो है इसकी लॉक स्क्रीन, एंड यहाँ पे लगन चल जाए लॉक स्क्रीन के ऊपर तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लगती है भाई इसकी लॉक स्क्रीन। और आप जैसे फिर से फ़ोन को मूव करते हैं ना कि ग्रेविटी सेंसर के थ्रू यहाँ पे ये हिलता है, अंदर का मैकेनिकल पार्ट भी हिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है भाई इस फ़ोन के अंदर, बहुत अमेजिंग लगा मेरे को। और जो इसको लोड होने की एनिमेशन है वो भी काफ़ी अमेजिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ चार्जिंग की एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाती है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो जरूर से बने रहना, बहुत ही अमेजिंग चार्जिंग एनिमेशन है। दोस्तों अब मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि एक थीम थी पिछली बार मैंने आपको दिखाई थी iOS 13X का है, तो दैट थीम इज ऑल्सो नॉन थर्ड पार्टी थीम। ये जो मैंने थीम दिखाई थी आपको ये पहले जो थी वो थर्ड पार्टी थीम थी, बट अब इसको कन्वर्ट करके नॉन थर्ड पार्टी कर दिया गया, यानी कि ये थीम स्टोर पे आ चुकी है, जाइए इसे अप्लाई कर लीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर आप पहले थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे थीम। ये वही थीम है जो मैंने आपको पिछली बार शोकेस करी थी, ये वाला स्टेटस बार जो उसमें था, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लेना, ये थीम अब नॉन थर्ड पार्टी हो चुकी है। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरी बताई हुई ज़्यादा से ज़्यादा थीम नॉन थर्ड पार्टी हो चुकी है थर्ड पार्टी से, तो ये याद रखना वेस्ट नहीं होती थर्ड पार्टी थीम्स। तो हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट थीम के बारे में यहाँ पे। दोस्तों जो आपको नेक्स्ट थीम देखने को मिल जाती है वो है डार्कनेस। दोस्तों ये थीम मैंने क्यों चूज़ करी, दोस्तों कई जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना MIUI थीम ऑफ द मंथ पार्ट वन, तो भाई उसके अंदर ये थीम चूज़ करी थी मैंने, और भाई तब से मेरे सब्सक्राइबर 7-8 हज़ार के करीब, तो भाई अब न्यू ऑडियंस के लिए भी ये थीम मैं लेके आया हूँ ताकि उन्हें भी पता चले भाई ये क्या पावर है इस थीम के अंदर। भाई इससे अमेजिंग लॉक स्क्रीन कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी थीम में नहीं मिलेगी भाई इससे अमेजिंग लॉक स्क्रीन आपको। और इसका पहले जो मैंने दिया था आपको थर्ड पार्टी का लिंक दिया था, बट नाउ इट इज़ नॉन थर्ड पार्टी थीम, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लिंक से ही मिलेगी आपको ये थीम, और वैसे सर्च करने पे नहीं आएगी, तो ये आपको एक नोटिस करने मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको तीन एलिमेंट ही देखने को मिल रहा है, बिकॉज MIUI 10 सपोर्टेड MIUI 11 सपोर्टेड नहीं है, बट MIUI 11 में भी ये जो लॉक स्क्रीन है ये परफेक्टली वर्क करती है जो इसका की पॉइंट है, उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खास था भी नहीं, तो इसलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको क्या देखने को मिल जाता है। जैसे कि दिखा रहे कंपेटेबिलिटी इशू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, एंड ये अप्लाई हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो RGB यहाँ पे आ रही है होम स्क्रीन के ऊपर वो बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एंड जो आइकन्स है वो भी आपको यहाँ पे OneUI से इंस्पायर्ड देखने को मिलते हैं, सॉरी एक्सपीरियंस UI से, तो ये भी काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाती है भाई, RGB बहुत अच्छी है। उसके बाद दोस्तों बाकी यहाँ पे आपको एलिमेंट्स में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ सेम मिलेगा, बट लॉक स्क्रीन की अगर हम बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं आपको इसमें इतने सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे दोस्तों आप एक एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से आप चार्जिंग एनिमेशन कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको ये वाली चाहिए ये वाली चाहिए, ये वाली मेरी फेवरेट है। एंड देन यहाँ से आप क्लॉक कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको ये वाली चाहिए ये वाली चाहिए, ये वाली मेरी फेवरेट है। उसके बाद आप यहाँ से ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको RGB लाइट चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको फिंगरप्रिंट चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और जब आपका काम हो जाए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, ये आपका कंट्रोल सेटअप हो गया है। अभी आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट पे RGB आ रही है, बहुत अमेजिंग लगता है। इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे जो फिलहाल किसी काम के नहीं है, एक शोकेस के लिए है। और अगर मैं कि आपको साउंड भी देखने को मिलती है फिंगरप्रिंट के अंदर, जो एक काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लुक प्रोवाइड करा देती है, बाकी आप साउंड खुद भी सुन लेना तब आपको पसंद आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको चार्जिंग एनिमेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो दोस्तों मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया है, एंड या तो ये है हमारी बेस चार्जिंग एनिमेशन, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। वाह भैया आगे, चलो भाई ये है हमारी बीस चार्जिंग एनिमेशन जो बहुत ही अमेजिंग लगती है हद से ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर ले सेकंड चार्जिंग एनिमेशन के बारे में, तो वो बिल्कुल ही सिंपल सी है, जो ये वाली है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको खास देखने को नहीं मिलता, बट वो वाली जो चार्जिंग एनिमेशन है वो बीस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जो इतनी कुछ खास नहीं है, तो वो वाली थी वो बेस्ट चार्जिंग एनिमेशन है। तो भाई ये थीम मेनली जो है वो चार्जिंग एनिमेशन के लिए ही मैं कहूँगा, अगर आपको यूज़ करनी तो कर लेना, और लॉक स्क्रीन के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बस साथ में आइकन्स भी काफ़ी अमेजिंग है। बाकी एलिमेंट्स आप दूसरी थीम से भी ले सकते हैं कस्टमाइज थीम में जाके, तो ये थीम मैंने आपको दिखा दी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले लिंक पर जाइए, वहाँ पे आप मेरी ब्लॉग पे पहुँच जाएंगे, ब्लॉग पे जाने के बाद आपको सारे लिंक मिल जाएंगे हर थीम के, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थीम के बारे में, जो कि है थर्ड पार्टी थीम। तो यहाँ पे दोस्तों थर्ड पार्टी थीम है, इसका नाम है iOS 14 वर्जन 11। तो भाई यहाँ पे iOS 13 अभी पूरी तरह से आया नहीं है, यहाँ पे iOS 14 पहले ही आ गया है, कोई नहीं देख लेते हैं।
अप्लाई करते हुए देख लेते हैं आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है। अब यार थर्ड पार्टी थीम को कैसे अप्लाई करना है, भाई ये थर्ड पार्टी है तो आपको ये थीम शो पे नहीं मिलेगी, इसे कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चुके हैं इस थीम के बारे में, सबसे पहले आपको यहाँ पे iOS वाला बार देखने को मिल जाता है जो आपको काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये हटा दीजिए, कैसे काम करनी है। बाकी वॉलपेपर भी काफी अमेजिंग है जो बैकग्राउंड में आ रहा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, यहाँ पे आइकन्स को ड्राइंग टाइप में बनाया गया है, तो ये आपको एक डिफरेंट एलिमेंट देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो ये थोड़ी बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं जो iOS से हटके हैं। एंड सेटिंग मेन्यू अगर हम बात करें तो वो आपको प्योरली iOS वाला ही देखने को मिलता है, नथिंग इज चेंज है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे लिखना भी सही सही लिखा है, जैसे फेस आईडी एंड पासवर्ड, तो ये भी एक आपको चीज़ देखने को मिलती है। आइकन्स एनिमेटेड हैं, दैट इज़ अ नाइस थिंग। डायलर मेन्यू अगर हम बात कर ले तो वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि iOS वाला ही आपको लुक प्रोवाइड करा देता है। दिस इज ऑल्सो एनिमेटेड, नाइस। और दोस्तों साथ में यहाँ पे स्टेटस बार ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है भाई। ये तो क्लॉक बीच में कर दी, और अब उन्होंने जो कंट्रोल सेंटर होता है ना, पहले सिर्फ ऊपर होता था, क्लॉक होती नहीं थी, अब उन्होंने क्लॉक ला के कंट्रोल सेंटर भी आपको कुछ इस टाइप का लुक दिया है जो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, पर्सनली बहुत पसंद आया है, लवर मतलब लव इट जो भी है। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में, दैट इज़ iOS थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन के साथ आता है, ये ताला जब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, ये भी एक अच्छा एलिमेंट है। फेस दिखाया, ताला खुला, अगर आप यहाँ से नीचे स्वाइप करेंगे यहाँ से तो आपके सामने ये वाला कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, और जो स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये क्विक स्मार्ट असिस्टेंट जो भी कह सकते हैं वो आ जाएगा। तो ये भी आपको इसमें एलिमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ से टॉर्च ऑन ऑफ होगी, यहाँ से कैमरा आएगा, नीचे से करेंगे तो आपको स्टेटस बार भी आ जाएगा, और फ़ोन ऊपर स्वाइप करिए और यार आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो भाई ये थी हमारी लास्ट एंड फाइनल थीम। अब मैं आपको उस वाली थीम की चार्जिंग एनिमेशन शोकेस कर देता हूँ, ये वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि इसी में बूट एनिमेशन अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आपको बूट एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलती इसमें। अब मैं आपको उसकी चार्जिंग एनिमेशन दिखा देता हूँ जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है इस थीम की। सारे थीम के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर चार्जिंग लगाई एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जिंग का स्टाइल आता है ना भाई, बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ज़्यादा कूल लगता है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो और आज की थीम। तो अगर आपको आज की वीडियो और आज की थीम्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फॉर मेनी टेक अपडेट्स, वहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक अपडेट दूंगा, कोई मैसेज है कोई जवाब नहीं दे रहा, या टेलीग्राम पे मैं आपको जवाब नहीं दे रहा तो वहाँ पे जरूर DM करना, फॉलो करने के बाद मैं आपको कन्फर्म जवाब दूंगा और बहुत जल्दी दूंगा बल्कि, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड 50,000 का बोले चल चल करा दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो, पसंद है तो लाइक। मैं मिलता हूं आपसे नए वाले मोमेंट, अब तक के लिए बाय।